बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लास 12th है हमारी, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो सेशन 2022-23 के लिए आपका एक न्यू रिवाइज सिलेबस आ चुका है, जिसमें बहुत से डाउट्स बच्चों के क्लियर किए गए। मोस्ट कॉमन डाउट है टर्म वन के सिलेबस और एग्जाम्पल। तो देखो, टर्म वन जो रहेगा उसमें आपके टोटल 9 चैप्टर्स आएंगे, जैसा कि आपको बता दिया गया है, ठीक है। और ये एग्जाम्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके अक्टूबर के मिडल में कंडक्ट करवाए जाएंगे 2022 में टर्म वन, ठीक है। टीचर्स की जिम्मेदारी है कि 31 सितंबर तक आपका टोटल जो सिलेबस है कंप्लीट करवा के आपका रिवीजन भी करवाए, क्योंकि मिडल ऑफ अक्टूबर में आपके एग्जाम्स टर्म के कंडक्ट होंगे। पहला डाउट सॉर्ट आउट हो गया। सेकंड डाउट आ जाता है प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो देखो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, इसमें आपको पता है कि हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आता है उन चैप्टर्स को हटा के जो एक्चुअल मिड डेट है। तो टीचर्स जो है इनकी जिम्मेदारी है कि दिसंबर के स्टार्टिंग तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दे, क्योंकि मिडल ऑफ दिसंबर 2022 में आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्री बोर्ड एग्जाम्स आपके जब हो जाएंगे, का जब आपका स्कूल भी आप पे आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रही है, किसको अच्छा कैसे करना है, फिर आपका सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की एक सीरीज चलाएंगे टीचर्स। और उसके बाद में फिर मिडल ऑफ फेब्रवरी यानी कि फरवरी के मध्य में 2023 में आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं रहेंगी वो कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो यहाँ पे एग्जाम्स और सिलेबस को लेकर कोई डाउट नहीं। अब एक बार हम रिवाइज सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। टर्म वन में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और आप इस वीडियो में दिखाया जाने वाला जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, उसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको सर्च करना है JSK 12th क्लास, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे कॉमन सी बात है कि आपकी जो बुक्स हैं हिंदी और इंग्लिश में क्लास 12th की, वो कुछ इस तरीके से हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीति एक है, विषमकालीन विश्व में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है। तो यहाँ पे देखो आपकी दोनों बुक्स की विषय सूची, सबसे पहले ये आपकी जो वर्ल्ड वाली है उसकी विषय सूची है, फिर आपकी जो इंडिया वाली बुक है उसकी ये विषय सूची। अब यहाँ पे एक एक करके हम समझते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, टर्म वन का जो एग्जाम है हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। चलिए समझते हैं कौन कौन से। तो देखो, सबसे पहले हमें चैप्टर सेकंड पढ़ना है, दो ध्रुवीयता का अंत, जिसके सामने मैं नंबर लिखता जाऊंगा आप समझ लीजिए उसे आपको पढ़ना है, दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। सेकेंड है हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, नया इसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। फिर है 5 समकालीन दक्षिण एशिया यानी कि चैप्टर नंबर 3। फोर्थ रहेगा हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है, जो कि एक्चुअल चैप्टर 6। फिफ्थ हो जाएगा हमारा समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसका नया नाम केवल सुरक्षा है, और जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है इसका है ना कुछ याद नहीं आ रहा अभी, आगे आपको एक एक्चुअल में जो सिलेबस है उसे दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर चैप्टर 6 रहेगा हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और चैप्टर 7 रहेगा वैश्विक, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो टर्म 1 रहेगा उसमें से जो हमारी ये जो समकालीन विश्व में राजनीति वाली बुक है, इसमें मैं चैप्टर 1 डिलीट लगा देना है, चैप्टर 3 डिलीट लगा देना है, बाकी सारे चैप्टर हमें पढ़ने हैं टर्म 1 की का। अब जो आपकी सेकंड बुक है उससे भी 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पहला चैप्टर, और दूसरा है नियोजित विकास की राजनीति, ये भी हमें पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा हमारा ये, और ये हो जाएगा चैप्टर नंबर 9। तो कौन कौन से 9 चैप्टर्स हैं जो आपको टर्म 1 के एग्जाम में पढ़ने हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा समझा देता हूँ, टर्म 1 के एग्जाम में आपको पढ़ना है 2 ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, वैश्वीकरण, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और नियोजित विकास की दर, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है, किसके लिए, टर्म 1 के एग्जाम के। फिर बारी आ जाती है बोर्ड के एग्जाम में, तो बोर्ड के एग्जाम में आप सभी को पता है कंप्लीट सिलेबस आता है। तो टर्म 1 के जो आपके चैप्टर्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये तो आपको पढ़ने ही है टर्म 1 के लिए और बोर्ड के लिए भी। इसमें ऐड हो जाएगा आपका चैप्टर 4 भारत के विदेशी संबंध, चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियों की पुनर्स्थापना, चैप्टर 6 ऐड हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसे जिसका नया नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, और चैप्टर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और चैप्टर 9 है भारतीय राजनीति में आए बदलाव। तो एक तरीके से जब आप टर्म 1 पढ़ोगे तो
तो फर्स्ट बुक में से आपको पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर और सेकंड में से दूसरा हटा के बाकी के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। और जब आपका बोर्ड रहेगा तब आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है, तीसरा नहीं पढ़ना है, इसमें से दूसरा और सातवा ये नहीं पढ़ना। तो हम ये कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में टोटल जो है वो आएंगे आपके 14 चैप्टर्स, ठीक है, क्योंकि दो इससे ये हमारे डिलीट हैं और दो ये डिलीट है। कोई डाउट नहीं है आपके दिमाग में। अभी आगे चल के आपका जो ऑफिशियल सिलेबस रहेगा उससे भी हम यहाँ पे ओवरव्यू करेंगे। अब इंग्लिश में देख लो, जिन बच्चों का डाउट है इंग्लिश में, तो देखो टर्म वन में आपको क्या करना है, चैप्टर वन हटा दो और चैप्टर थर्ड हटा दो, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और यहाँ पे ये एट, ये नाइन, ये आपको टर्म वन में पढ़ने हैं। और जब बोर्ड रहेगा तब इसी में और ऐड हो जाएगा चैप्टर फोर, ठीक है, चैप्टर फाइव, चैप्टर सिक्स, 12, 13 और 14, टोटल 14 चैप्टर हो गए। और जो टोटल डिलीट है वो कौन सा है, पहला डिलीट है, थर्ड डिलीट है, इसमें सेकंड और सेवन डिलीट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये तो एक सिलेबस हो गया आपका। अब हम चलते हैं कि जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके तरफ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्लास 12th है, राजनीति विज्ञान कोर्ट है। सबसे पहले भाग ए है हमारा समकालीन विश्व राजनीति, इसमें चैप्टर फर्स्ट है दो ध्रुवीयता का अंत। अब इसमें जैसे देखो नया चैप्टर, नया जो टॉपिक ऐड हुआ है, जैसे कि मध्य पूर्व का संकट, अफगानिस्तान का, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण जिसे हम कहते हैं CIS, 21वीं सदी में अरब स्प्रिंग, ये नया ऐड हुआ है। चैप्टर सेकेंड हो गया हमारा सत्ता के नए केंद्र। अब इसमें रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं। थर्ड हमारा समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया। अच्छा एक चीज, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, दो तरीके से, एक तो आप सर्च करके और दूसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वहां से, ठीक है ना। फिर चैप्टर फोर है संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन, जिसमें देखो नया क्या ऐड हुआ है, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ। चैप्टर फाइव है समकालीन विश्व में सुरक्षा। चैप्टर सिक्स है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर नाइन है वैश्वीकरण, ये हमारी फर्स्ट बुक से है। सेकेंड बुक में देखो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और नियोजित विकास, ये दो है हमारे। तो ये आएंगे हमारे जो टर्म वन रहेगा उसके एग्जाम, ठीक है ना। देख सकते हैं 30 सितंबर 2022 तक मध्य अवधि परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया जाना चाहिए, तो और रिवीजन भी करवाया जाए। रिवीजन में आपके जो गद्यांश आधारित यानी कि केस स्टडी बेस्ड प्रश्न है उसे भी करवाया जाएगा, ठीक है, अभ्यास प्रश्न भी करवाए जाएंगे, मानचित्र और कार्टून ये भी आपके करवाए जाएंगे आपके टीचर्स के, ठीक है। फिर वो अब जो आपका टर्म वन रहेगा वो जब कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद आपकी दोबारा से तैयारी होगी। तो चैप्टर जो हमारा फोर है भारत की विदेश नीति, सेकंड बुक से ये आएगा हमारा। चैप्टर फाइव है भारत में दल और दलीय व्यवस्था, ये आएगा हमारा। चैप्टर ट्वेल्व मतलब कि सिक्स रहेगा हमारा लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। फिर चैप्टर सेवन है क्षेत्रीय आकांक्षा और एट हमारा भारतीय राजनीति, नवीन प्रगति और विकास। तो इस तरीके से जो फर्स्ट बुक है और जो सेकेंड बुक है उसमें से क्या क्या हमें पढ़ना है, आई होप कि इस बारे में आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। और रही बात आपकी एग्जाम्स वगैरह को लेके, देख सकते हैं कि 15 दिसंबर तक आपका जो ये कंप्लीट सिलेबस वो होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं की कंडक्ट करवाई जाएंगी और उसके बाद आपका जो बोर्ड रहेंगे ये आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो सिलेबस प्लस में कब कौन सा एग्जाम होगा इसके बारे में आई होप कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसी तरीके से इंग्लिश में देख सकते हैं द एंड ऑफ बायपोलिटी, सेकेंड है हमारा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उसके बाद है कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हमारी फर्स्ट बुक से थी। सेकेंड बुक से है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, नाइन्थ है प्लान डेवलपमेंट, उसके बाद जब आपका टर्म वन कंडक्ट हो जाएगा। फिर हमारा इंडिया फॉरेन पॉलिसी, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, डेमोक्रेटिक रेक्यूरेंस। फिर 13 हमारा रीजनल एक्सप्रेंस। फिर 14 है हमारा इंडिया पॉलिटिक्स, रिसेंट ट्रेंड्स इन डेवलपमेंट, ठीक है ना। इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीटली जो आपका सिलेबस है वो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और मुझे नहीं लगता अब आपके दिमाग में कोई डाउट बचा होगा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फीडबैक में बताना आपको सिलेबस समझ में आ गया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज हम अपने लेके आते रहेंगे। इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा और PDF नोट्स वगैरह के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन कीजिए।
आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।